सिलाई कर रही। अच्छा क्या बनाओगी इससे? इतने दिन का सूट भरा है, वही सिल जाए, यही बन जाए, वही बहुत है। आलस कर रही हूँ बस, सही सा बन जाए। मम्मी खाने में क्या बनेगा? ये खाना बनाओ। अभी अभी क्या खाया था? अभी क्या खाया था? कैची गायब हो गई। मम्मी कैची भी सोच रही होगी, अरे दैया मेरे को नींद आ रही है, चलो मैं भी सो जाती जाके छिपके। इसकी पागल ऐसी बात है। बस सोना सोना, पढ़ाई करनी चाहिए, सोने से कुछ नहीं, जो सोता है वो खोता है। मैं सोती नहीं हूँ, पहली बात, रात को भी सोती, दिन में भी सोती। कम सोना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। सही कहा मम्मी, जो सोता है वो अपनी सारी चीजें खोता है। आप भी गाइस कभी सोना मत, रात को ही सोना बस। रात को भी नहीं सोना। रात जब भी मत सोना, कल भी तो जब भी मत सोना। ये सोना की बकवास भी सुन लो। अब मम्मी का देखते कितना अच्छा सूट बनता है, वो उसको वीडियो में दिखाएंगे हम, अगली वीडियो में। पता नहीं कब बनेगा ये सूट, देख लिया इन बंसों की बातें। मैं तो सोच रही बस बन जाए, पहन ले लायक बन जाए बस। और मम्मी सबसे काम करवाती रहती है। क्या? मम्मी मुझसे काम करवाती है। हाँ ये तो रोटी सब्जी बनाती है। अरे रुक जा सूखी सी, यही सारा काम करती है, और कोई तो करता ही नहीं है। देखो मम्मी का आधा सूट तो बन गया, अगला सूट को अब पूरा सूट बन जाएगा तब अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगले वीडियो में दिखाएंगे जरूर। अब ज्यादा टेंशन मत लो, हम जरूर दिखाएंगे। बोलो टेंशन क्यों लेंगे? टेंशन मुझे लेनी है, उन्हें लेनी है। तुम ही लोगी टेंशन, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरे उल्टी बाजू पे निशान लगा, वो सीधी बाजू पे निशान लगा दिया। ओ सॉरी। चलो फोन रख दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब थोड़ी सी बातचीत करके चले जाएंगे। कहाँ चली जाओगी? अभी पढ़ाई करने। हाँ हो गई बहुत बातचीत, फोन रखो और एग्जाम में गणित की प्रैक्टिस करो। मम्मी हम केली स्कूल चलेंगे। मैं मैथ में तेज हूँ, मेरी मैथ का सब कुछ सही है। मैं भी मैं तो इंग्लिश में सही हूँ। सोना मैं तो इंग्लिश में सही हूँ। अब सोना के देखेंगे, सोना के नंबर ही फोन बंद करो। चलो सोना के मुझसे पहले पेपर। बस मम्मी थोड़ी सी बात है, मम्मी तुम्हारे काम में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है बाय बाय गाइस, बाद में दिखाएंगे पूरा बन जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है बाय बाय गाइस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे किचन की सारी सफाई हो गई है, ढेर सारे बर्तन धो लिए, ये मयूर जग साफ कर रहे हैं। पानी ख़त्म हो गया था तो पानी वाले भैया आ रहे हैं, तब तो मैंने बोला इसको साफ़ ही कर लेते, और इसके जो इसके नीचे रखते स्टूल वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, तो अच्छे से साफ़ कर लिया। पता है थोड़ी सी ये पानी वाली टोटी ऊपर होनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, चल जाता है काम। वैसे तो बड़े बर्तन ज़्यादातर आपने नोटिस किए होंगे ऊपर छत पे लगा रखी, वहाँ पर धोती हूँ मैं, पर जल्दी होती है तो यहाँ पे भी धो लेती हूँ। और किचन के कपड़े मैं सारे यहीं पे, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं वो यहीं पे धोती हूँ, मैं ऊपर नहीं लेके जाती हूँ। तो बस अभी पता है अभी थोड़ी सी ब्लॉगिंग ऐसी हो पा रही है, कल मेरा ब्लॉग नहीं गया और एक दो दिन पहले भी नहीं गया। कंटिन्यू तो हूँ, मतलब ऐसे तो नहीं दो दो तीन तीन नहीं डालूँ, नहीं। थोड़ा सा मोबाइल और थोड़ा सा मूड साथ नहीं दे रहा है, आपको पता है जब मन अच्छा ना हो और मोबाइल अच्छा ना हो, मोबाइल के बिना तो कुछ कर नहीं सकते, मन एक बार ना हो तब भी जोर जबरदस्ती कर लेते हैं, पर मोबाइल थोड़ा सा साथ छोड़ रहा है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ खराबी आ रही, कहीं कुछ। अभी मैंने उस दिन बताया था मोबाइल में बैटरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से लेट हो गए। नवरात्रे का ही पहला ब्लॉग लेट हो गया, नवरात्रे के पहले दिन नहीं पहुंचा है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देखिए कद्दू की सब्जी बनाई थी इन लोगों के लिए, और कॉफ़ी बनाई मैंने, और वो बर्तन वर्तन सारे धो के रख दिए हैं, और इसको
ये लहसुन प्याज के बिना बन जाता तो इसीलिए, और बच्चों के लिए फिर टाइम भी हो रहा था, बच्चों को भूख भी लग जाती है। और स्टार्टिंग में आपने देखा वंशिका ने वीडियो बनाई, उनको वीडियो बनाने का शौक है, पर मैं बोलती हूँ अभी कैमरे से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि स्कूल में सभी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो अच्छे नहीं लगते। देखिए कद्दू अच्छा लग रहा था ना, तो यहाँ पे वंशिका ने पूजा कर ली है, तो फिर बस मैं कुछ वीडियो की क्लिप है आगे पीछे हो गई है, मैं आपको क्लियर बता दूं। और दोबारा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10:30 बजे बच्चों को लेने जाना होता है और यही टाइमिंग मेरे वीडियो की लाइव की होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे, मेरी मेहनत को भी समझेंगे। तो बस झाड़ू पोछा हो गया है, कमरा साफ़ हो गया, ऊपर से छत पे से कपड़े लेके आई हूँ, कपड़े मैंने कुर्सी पे रख दिए, तय करने हैं कपड़े। और मैंने घर की सफाई भी की है, सामने वाली आप देख सकते हैं ये बड़ी अलमारी है, ये मैंने अच्छे से साफ़ की, इसमें पेपर वगैरह बिछाए और सारे कपड़े सेट किए, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, फिर थकान हो जाती, फिर मन नहीं करता कि कुछ और करें, फिर छत पर धूप में जाके वीडियो को समझ रहे हो अनलिस्ट करें, तो इस ये चीज़ें हो जाती है। बस ये चाहती हूँ मैया रानी मेरी मेहनत को देखें, मुझे सफल बनाए और जल्दी जल्दी से, बस मेरी आप लोगों को पता है मेरी ख्वाहिश है जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मैया रानी बस सुन ले, सबकी सुने, मेरी नहीं सबकी सुने, जो जो मेहनत कर रहे हो उनको मेहनत का फल मिले, बस ये चाहती हूँ। तो बस पोंछा लग गया, थोड़ा शरीर ढीला है क्योंकि नवरात्रि का ही पहला दिन था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं नहा ली, और मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि बच्चों को लेने इतनी दूर जाना होता है, साड़ी में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया, सर धो लिया और यहाँ पे ये लगा दे रही फटाक से, फिर लेट हो जाएगा। और मैंने बाहर मेन गेट के लिए भी एक माला बनाई थी, दोनों चीज़ों के लिए बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी सारा कुछ। और भैया मैंने नीचे मंदिर नहीं बनाया क्योंकि बच्चे शैतान हैं और बच्चों को नवरात्रि में डांटो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने फूल भी बीच बीच में लगा दी, इस तरीके से मेरी रहा। मैं देखिए मैं मेरा ये कहना है, मैं अपनी कह रही हूँ, मैया भगवान ऐसे नहीं कहते ये करो वो करो, बस व्रत में और अपने मन में भक्ति भाव होना चाहिए, बस ये है। किसी को नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कैसे किया जाता कैसे नहीं, कोई सीखे नहीं आता, धीरे धीरे सब सीख लेते हैं। तो बस कोई भी मैया रानी गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी माला लग चुकी है, मैंने बोला फटाक से पहले ये लगा दूँ, फिर रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा, बाहर मैं जब पूजा कर लूँगी तब मैं बाहर लगाऊँगी। और जो भी सतिये वगैरह हैं वो भी मैंने बनाए, मतलब सब कुछ किया जितना जितना मुझे याद आया। और मैया रानी के लिए चुन्नी लेके आई हूँ, मिट्टी उगाने के, जौ उगाने के लिए मिट्टी, अपने नए घर में पहला नवरात्रा है, तो सारी चीज़ें मैंने कि हैं, बस कोई गलती हो गई मैया रानी माफ़ कर दे। और वो गाना तो भूल ही गई, हर नवरात्रि में वो गाना मैं तो गाती ही गाती हूँ। देखिए भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, और मैंने सुना है मेहनत ज़रूर देखेंगे अगर मैं सच्चे दिल से श्रद्धा से कर रही हूँ। और वो गाना मैंने जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया वो गाना मैं हमेशा से गाती हूँ, तो अब क्यों नहीं गाऊँगी। यहाँ पर मैंने 7 बार जौ बो दिए हैं इस तरीके से, मेरी खाली झोली भर दी रे मुझे इतना दिया मेरी माता, मेरी खाली झोली भर दी रे मुझे इतना दिया मेरी माता, मान दिया सम्मान दिया मेरी बिगड़ी सभी बनाई, मेरी बिगड़ी सभी बनाई, मेरी खाली झोली भर दी रे मुझे इतना दिया मेरी माता, जय माता दी। तो ये कड़ी मुझे इतना ही आता है, ये कड़ी गाना मुझे बेहद पसंद है। तो बस देखिए हमारा मन लालच होता है कि और हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर जो भी होता है भगवान, हम बस कर्म कर सकते हैं और जो होता है ऊपर की है, बस मांग सकते हैं, बच्चों का मांगने का हक होता है माँ बाप से, तो बस वही है हम लोगों का भी। तो देखिए बस आ जाइए आप लोग भी, आरती कर लीजिए, दिया जला दिया है, थोड़ा बहुत वंशु आ गई थी, वंशु को लेके एग्ज़ाम से लेके आ गई थी, उन्होंने जो भी क्लिप है वो बनाई है, बस आरती हो गई। और ये मेरा सीधा हाथ है, आप लोगों को बता दूँ मैं सीधे हाथ से ही पूजा करती हूँ, उल्टे हाथ से नहीं करती, आप लोग कमेंट करो। तो ये मेरा सीधा हाथ है, इसी से खाना खाती हूँ, इसी से सब कुछ करती हूँ, डेढ़े हाथ से नहीं करती हूँ। तो मेरी आरती हो गई, सब कुछ हो गया है, यहाँ पे मैं माला पे तिलक वगैरह चावल वगैरह छिड़क रही हूँ और इसे मेन गेट पे लगा दूँगी, घर में
घर में सुख शांति समृद्धि रहे, घर भरा पूरा रहे सभी का, मेरा भी, बस यही मैया रानी से इच्छा है। और ये तुलसी के पत्ते आप लोग बताइएगा इस पर क्या लिखा है, मुझे पता है साफ दिख रहा है, अच्छे होते हैं, 7 तुलसी के पत्ते हैं उन पर लिखा है मैंने, अच्छी चीज़ें हैं, बस मन करा तो मैंने इन पर लिख दिया, थोड़ा सा क्लिप बनाया आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बस मैया रानी से मेरी इच्छा है जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो, बहुत टाइम हो गया, बहुत इंतज़ार करते करते हो गया है, बस अब मेरी वीडियो जल्दी जल्दी से वायरल हो जाए। तो ये साबूदाना के पापड़ हैं, चाय बना लिए, आप लोग भी आ जाइए। और मुझे पता है कुछ लोगों ने लौंग से व्रत रखे, बहुत सारे कमेंट आए, बस और सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ सबके साथ अच्छा हो, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ। लाइट किचन की बंद कर दिए, दियाबाती हो गई है, और ये 3-4 बजे का क्लिप है, और ये हमारी गली में कीर्तन थे, सामने वाले घर है, इन्होंने करवाए थे, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया, किसी को दिक्कत होती, कोई बोलता हमारे फैमिली को क्यों दिखा दिया, तो कोशिश की उनकी फैमिली किसी की ना दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखाया है, ना दिखाती तो भी अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़ी पहले नवरात्रि के दिन कीर्तन हुए और ना दिखाऊँ तो अच्छा नहीं रह लगता मुझे। तो ये 4 या 5 बजे से स्टार्ट थे, 7-8 बजे तक हुए थे, अब पर आधे घंटे के लिए लाइट चली गई थी, तो गली में सभी लोग झूम उठे थे, देखिए अच्छा लग रहा, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एक ये भी गाया था, मेरे घर के आगे मैया रानी तेरा मंदिर बन जाए, ऐसे कुछ गाया था, ध्यान नहीं आया था, और वो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे से गाने गाए थे, तो मैंने रियल आवाज़ भी रखी, आप लोग देखिएगा। लौकी बनाई थी, लौकी की सब्जी, बस मोबाइल की बैटरी ख़राब था तो कुछ वीडियो वगैरह नहीं बन पाई, और पास में हमारे भंडारा था, उनके घर गृह प्रवेश था, तो वहाँ से ये देखिए सब्जी आ गई है, पूड़ी आ गई थी, एक मिनट, ये देखिए हलवा चना आया, मेरा तो व्रत है, बच्चों ने ही खाया है सिर्फ और कुछ नहीं, और मैंने पीले चावल बनाए थे वो सारे रखे, हींग जीरे से तड़के दिए थे आप समझ सकते हो, तो हींग जीरे के ये चावल रखे हैं, मैं नहीं खा, मेरे हस्बैंड बोलते जब तू नहीं खाती, तो ये हींग जीरे के चावल रखे हैं और प्रसाद रखा है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं, रखा है अभी मैंने कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ वो पापड़ सेके थे बस, उसके बाद कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है जी, साइड से रख दे रही हूँ, और ये सब्जी को खर करके कटोरी में रख दूँगी, थोड़ी सी रोटियाँ फेंक दूँगी और कुछ भी नहीं, बर्तन धो लिए हैं मैंने, तो चलिए इसको हटा देती हूँ, सब्जी बनानी नहीं है, मतलब काम बच गया, मैंची दिए था, बच्चे छोटे छोटे तो वहाँ पे मैंने नहीं भेजा, और कॉफ़ी बनाई थी इनके लिए, कॉफ़ी को रख दिया, ये सारे काम है, चलिए कर लेते हैं।